नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। देश में जानलेवा कोरोना वायरस की सुनामी आ गई है। दिल्ली समेत कई राज्यों में ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरीजों की मौत हो रही है। वहीं कई मरीज अस्पतालों में बेड्स की किल्लत से भी जूझ रहे हैं। मुश्किल की इस घड़ी में अमेरिका, ब्रिटेन, यूएई और सिंगापुर जैसे कई देश भारत की मदद के लिए आगे आए हैं। देखिए, इस मुश्किल भरे समय में भारत की कौन सा देश किस तरह से मदद कर रहा है। भारत में कोरोना की दूसरी लहर ने तांडव मचा दिया है। आलम ऐसा है कि अस्पतालों के बाहर चीख पुकार और रोने की आवाजें सुनाई दे रही हैं। मरीजों के परिजन ऑक्सीजन का इंतजाम करने की कोशिश कर रहे हैं या रेमडेसिविर ढूंढ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ लोग घरों में सहमे और डरे बैठे हैं। हालात ये हैं कि रोजाना पूरे देश में 3.5 लाख नए मरीज सामने आ रहे हैं। वहीं तकरीबन 2,500 से ज्यादा लोगों की हर रोज जान जा रही है। ऐसे में भारत की स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से चरमरा गई है, जिसके बाद अब विदेशों से भी भारत को मदद मिल रही है। अमेरिका के प्रशासन कोरोना वायरस महामारी से लड़ाई में भारत को आपातकालीन सहायता मुहैया कराने के साथ ही कोविशील्ड टीके के भारतीय निर्माता को तत्काल कच्चा माल उपलब्ध कराने को लेकर दिन रात काम कर रहा है। वहीं अमेरिका ने भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहे स्वास्थ्य कर्मियों को हर संभव जरूरी मदद मुहैया कराने का निर्देश भी दिया है। सऊदी अरब से लाई जा रही ऑक्सीजन। सऊदी अरब से 80 मीट्रिक टन जीवन रक्षक गैस लाई जा रही है। ऑक्सीजन भेजने का काम अडानी समूह और लिंडे कंपनी के सहयोग से हो रहा है। ब्रिटेन वेंटिलेटर जैसे मेडिकल उपकरण भेज रहा। ब्रिटेन ने रविवार को वेंटिलेटर और ऑक्सीजन संकेंद्रक समेत अन्य जीवक रक्षक चिकित्सा उपकरण भेजने की घोषणा की। दिल्ली सहित ब्रिटिश उच्चायोग ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी से निपटने में सहायता के लिए 600 मेडिकल उपकरण भारत भेजे जाएंगे। जर्मनी सहायता मिशन की तैयारी कर रहा है। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने कहा कि उनकी सरकार भारत के लिए तत्काल सहायता मिशन की तैयारी कर रही है। एक संदेश में मर्केल ने कहा है कि महामारी की इस लड़ाई में जर्मनी पूरी एकजुटता से भारत के साथ खड़ा है। भारत की मदद के लिए काम कर रहा यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ ने कहा है कि वो कोरोना वायरस से लड़ने में भारत की तेजी से मदद के लिए संसाधन जुटा रहा है। इस 27 देशों के शक्तिशाली समूह के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ईयू ने पहले ही अपनी नागरिक रक्षा प्रणाली को सक्रिय कर दिया है, ताकि भारत को तत्काल ऑक्सीजन और दवा पूर्ति सहित अन्य मदद की जा सके। सिंगापुर से आ रहे क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर। भारत ने सिंगापुर से 4 कंटेनरों को हवाई मार्ग से देश में पहुंचाया है। इन कंटेनरों को भारतीय वायुसेना के विमानों से शनिवार को भारत पहुंचाया गया। इन कंटेनर्स का इस्तेमाल ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए किया जाएगा। भूटान से ऑक्सीजन का आयात। असम के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था कि राज्य सरकार ने पड़ोसी देश भूटान से ऑक्सीजन आयात करने के प्रबंध किए हैं। पाकिस्तान ने कोरोना वायरस की घातक लहर से लड़ने में मदद के लिए भारत को वेंटिलेटर समेत अन्य राहत सामग्रियां उपलब्ध कराने की पेशकश की है और कहा है कि दोनों देश वैश्विक महामारी की वजह से उभरी चुनौतियों से निपटने के लिए आगे सहयोग के संभावित तरीकों की संभावनाएं तलाश सकते हैं। अफगानिस्तान ने भी दिखाई एकजुटता। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने भी भारत के साथ एकजुटता प्रदर्शित की। गनी ने ट्वीट कर कहा कि हम कोविड महामारी से लड़ रहे भारतीय नागरिकों और सरकार के साथ खड़े हैं। चीन सरकार ने कहा है कि सरकार और चीनी जनता भारत सरकार और भारतीय लोगों के महामारी मुकाबला कार्य का दृढ़ समर्थन करती है। चीन भारत की आवश्यकता के मुताबिक मदद देने को तैयार है। भारत में पिछले 24 घंटे में 3,60,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं, साथ ही 3,000 से ज्यादा लोगों की जान भी चली गई। हालात भारत में बेहद खराब है, लेकिन जिस तरह से भारत को विदेश से मदद मिल रही है, उससे उम्मीद है कि भारत बहुत जल्दी कोरोना को हरा देगा और देश में स्थिति बहुत जल्द ही ठीक हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।